नमस्कार नमस्कार दोस्तों, नमस्ते जी। मेरा नाम भारवी पोपट है। मैं गुजरात अहमदाबाद के ग्लोबल मिशन इंटरनेशनल स्कूल संस्कार धाम के कक्षा 11वीं कॉमर्स की छात्रा हूं। श्रीमान, इस कोरोना काल में उद्योग व्यापार सरकार को भी तकलीफ आई होगी, लेकिन क्या आपने सोचा है कि विद्यार्थियों को क्या तकलीफ आई? सर, इस संकट को मैं अपने जीवन में किस रूप में याद रखूं? ऐसा लगता है कि हम छात्रों का एक साल निरर्थक हो गया हो। मेरी जगह आप होते तो क्या करते? आपका मार्गदर्शन हमें दिशा देगा। धन्यवाद। देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है। जहां तक कोरोना का प्रश्न है, मैं तो इसे इस रूप में देखता हूं कि जो गलती आपने नहीं की उसका खामियाजा आपको उठाना पड़ा। ये आपके लिए जीवन की एक सीख है कि कई बार जीवन में बहुत कुछ अचानक घटता है, अकल्पनीय घटता है, और इन घटनाओं पर आपका कोई नियंत्रण नहीं होता है। कोरोना में भी हम कह सकते हैं कि बच्चों का, युवाओं का जो नुकसान हुआ है वो बहुत बड़ा है। बचपन के लिए तो एक साल का नुकसान बड़ी इमारत की नींव में एक खालीपन जैसा है। इस कमी को भरना आसान नहीं है। स्कूल एज मतलब हंसना, खेलना, मिट्टी में खेलना, मिट्टी उछालना, गर्मी, सर्दी, बरसात, हर चीज का आनंद, दोस्तों के साथ क्लासरूम में टीचर के साथ गप्पे मारना, बातें करना, घर की छोटी सी भी घटना चारों दौर एकदम से बता देना, उनके बीच रहना, ये सब जीवन की विकास यात्रा के लिए बहुत अनिवार्य होता है। इन सब चीजों से आप सहज ही कितना कुछ सीख सकते हैं। आपको भी लगता ही होगा, कोरोना काल के पहले का समय आप याद करते होंगे तो सोचते होंगे कि कितना कुछ मिस किया है। लेकिन कोरोना काल में अगर काफी कुछ खोया है तो बहुत कुछ पाया भी है। कोरोना की सबसे पहली सीख तो यही है कि आपने जिस चीज को, जिन जिन लोगों को मिस किया, उनकी आपके जीवन में कितनी बड़ी भूमिका है, ये इस कोरोना काल में ज्यादा पता चला है। आपको इस बात का एहसास हुआ कि किसी को भी फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। खेलकूद हो, स्कूल में फिजिकल क्लासेस हो, या फिर आपके घर के पास सब्जी बेचने वाले, कपड़े प्रेस करने वाले, पास के बाजार के दुकानदार, जिन लोगों को, जिन बातों को आपने रूटीन समझ लिया था, उनका जब मिस करते हैं तब उनका सबका महत्व हम सबको अनुभव होता है, आपको भी पता चला है। इसलिए इस दिशा में आपको लगातार जागरूक रहना चाहिए और लाइफ लॉन्ग इस लेसन को याद रखना चाहिए। कोरोना के बाद भी इन चीजों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। वहीं आपको यह भी याद रहना चाहिए, जीवन को सच्चे अर्थ में जीने के लिए कितनी कम चीजों की जरूरत होती है। दूसरा, इस एक साल में आपको कहीं ना कहीं जाने अनजाने में आपको खुद के भीतर झोंकने का, खुद को जानने का एक अवसर भी मिला होगा। कोरोना काल में एक और बात ये भी हुई है कि हमने अपने परिवार में एक दूसरे को
ज्यादा नजदीकी से समझा है। कोरोना ने सोशल डिस्टेंसिंग के लिए मजबूर किया, लेकिन परिवारों में इमोशनल बॉन्डिंग को भी इसने मजबूत किया है। कोरोना काल ने यह भी दिखाया है कि एक संयुक्त परिवार की ताकत क्या होती है, घर के बच्चों के जीवन निर्माण में उनका कितना रोल होता है। मैं चाहूंगा कि सोशल साइंस के लोग, हमारी यूनिवर्सिटीज इस पर रिसर्च करें, कोरोना काल के फैमिली लाइफ पर स्टडी करें, कैसे इस संकट से मुकाबला करने में संयुक्त परिवार ने समाज को ताकत दी, इस पहलू को खंगाले। कोरोना आने के बाद ये जो आयुर्वेदिक काढ़ा, पौष्टिक भोजन, साफ सफाई, इम्यूनिटी, ऐसे अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर हम सबका ध्यान गया है, इन सब के लिए लोगों ने जो जो किया वो अगर पहले से करते आ रहे होते तो शायद परेशानी इससे भी कम होती। लेकिन अच्छा है, अब ये बदलाव लोगों ने अपने जीवन में शामिल कर लिया है, और इसलिए मैं यही कहूंगा, ये बहुत बड़ी बात है कि परिवार के बच्चे ऐसे गंभीर पहलुओं पर सोच रहे हैं, बात कर रहे हैं। धन्यवाद बेटा।